मनुष्य की सबसे बड़ी गलती यही है कि वो समय का दुरुपयोग करता है। समय निःशुल्क है किंतु है अनमोल। समय के सदुपयोग से जीवन में सफलता और दुरुपयोग से निश्चित विफलता प्राप्त होती है। आइए हम कुछ तथ्य देखें। यदि किसी व्यक्ति की आयु मानो 80 वर्ष की है तो इसमें 28 वर्ष अर्थात लगभग 30% जीवन तो केवल निद्रा में ही समाप्त हो जाता है। अगर हम संपूर्ण जीवन का लेखा जोखा करें तो हमें पता चलेगा कि हम प्रतिदिन 8 घंटे अर्थात 10 वर्ष जीवन के नौकरी में व्यतीत करते हैं। जीवन के 9 वर्ष गवाते हैं टीवी और सोशल मीडिया में, 6 वर्ष घर के काम में, 4 वर्ष खाने पीने में, 3.5 वर्ष शिक्षा में, 2.5 वर्ष सजने में, 2.5 वर्ष खरीदारी में, 1.5 वर्ष बच्चों के लालन में, 1.25 वर्ष ट्रैवल में, ये सब मिलाओ तो बनता है 71 वर्ष। अर्थात शेष केवल 9 वर्ष हमारे पास बचते हैं। यदि प्रतिदिन आपके अकाउंट में 86,400 रुपए जमा कर दिए जाएं, तो आपको कैसा लगेगा? हमारी तो समृद्धि की कोई सीमा ही नहीं रह जाएगी। उसी तरह प्रतिदिन हमें 86,400 सेकंड मिलते हैं। यदि समय धन होता तो क्या हमें इसे व्यर्थ नष्ट होने देते? धन और समय में कौन है अधिक बलवान? धन कमाना संभव है लेकिन समय नाशवान। यदि आपको 1 वर्ष का मूल्य जानना हो तो परीक्षा में फेल हुए छात्र से पूछो। यदि आपको 1 महीने का मूल्य जानना हो तो 8वें महीने में गर्भपात से पीड़ित मां से पूछो। यदि आपको 1 सप्ताह का मूल्य जानना हो तो मैगजीन के संपादक से पूछो। यदि आपको 1 घंटे का मूल्य जानना हो तो विरह में आतुर प्रेमियों से पूछो। यदि आपको 1 मिनट का मूल्य जानना हो तो ऐसे व्यक्ति से पूछो जिसने बस फ्लाइट या ट्रेन जिसकी छूट गई हो। यदि आपको 1 सेकंड का मूल्य जानना हो तो दुर्घटना से बाल बाल बचे व्यक्ति से पूछो। यदि आपको 1 मिली सेकंड का मूल्य जानना हो तो ओलंपिक्स में स्वर्ण हार कर रजत प्राप्त किए हुए खिलाड़ी से पूछो। तो क्या हमें इस अनमोल धन को गंवाना चाहिए? हमारे भीतर 2 शक्तिशाली स्वरों का वास होता है। एक स्वर हमें ऊपर उठाता है, हमारा उद्धार करता है, वहीं दूसरा स्वर हमें नीचे गिराता है, हमारे पतन का कारण बनता है, और दोनों में निरंतर ही युद्ध चलता रहता है। जिस स्वर को हम स्वीकार करते हैं, उसके अनुसार कार्य करते हैं, वह स्वर उतना ही शक्तिशाली बनता जाता है। समय भगवान की शक्ति है, इसलिए हमें हर क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। जीवन और समय दोनों ही शिक्षक अनमोल। जीवन सिखाए समय का सदुपयोग, समय सिखाए जीवन का मोल।